हाय फ्रेंड्स, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए, मगर ये गुल खिल के कब बिखर जाते हैं पता ही नहीं चलता। चलता है तो बस टीआरपी का सिलसिला और जिसकी बलि चढ़ते हैं कितने सारे सीरियल्स। देखा एक ख्वाब का भी यही हश्र हुआ और वो सीरियल अब बंद हो रहा है, जिसकी जगह ले रहा है लव मैरिज या अरेंज मैरिज। देखा एक ख्वाब का एक कंटिन्यूसली चेहरा आपको देखने को मिलेगा लव मैरिज या अरेंज मैरिज में, वो है उदयवीर यानी कि आशीष कपूर का चेहरा। आशीष कपूर लव मैरिज और अरेंज मैरिज में साहिल का किरदार निभा रहे हैं, जो कि लव मैरिज को सपोर्ट करता है। आशीष का कहना है कि वो प्यार में बिलीव करता है, लव मैरिज में बिलीव करता है, क्योंकि किसी भी रिलेशनशिप में प्यार का होना बहुत ज़रूरी है, वरना रिलेशन सांस ही नहीं ले पाएगा। करेक्ट है। आशीष कपूर इस बार मोनिया से यानी कि प्रियल गौर से इश्क फरमाते नजर नहीं आएंगे, इस बार उनकी प्रेमिका है ऋषिका मिहानी यानी कि शिवानी। तो प्रियल गौर से क्या उनका ब्रेकअप हो गया है? वैसे जब सीरियल वाइंड अप हो रहा है यानी कि सीरियल का पैकअप हो गया, तो लगता है दोनों के रिश्ते का भी पैकअप हो गया, क्योंकि ये खबरें सुनने में आ रही हैं कि दोनों का ब्रेकअप हो गया है। अब भाई ये पब्लिसिटी है या कुछ और, इस पर तो आप ही फरमाइए गौर, मगर मुझसे सुनिए किस्सा कुछ और। प्रियल मानती है कि दोनों का रिश्ता था, मगर अब दोनों का रिश्ता टूट चुका है, ब्रेकअप हो गया है, मगर वो इसकी वजह बताना नहीं चाहती। वो कह रही है कि इसकी पर्सनल लाइफ है, इसलिए अब इस बात को यहीं छोड़ दिया जाए, कुछ और किया जाए यानी कि कुछ नया काम किया जाए, आगे बढ़ने का नाम ही जिंदगी है। और वैसे भी ये बॉलीवुड और टेलीविजन की दुनिया में ये ब्रेकअप पैकअप पैचअप ये सब तो चलते ही रहते हैं, और एक्चुअली हमारे सामने ये परोसे जाते हैं कुछ टेंट्रम्स की तरह। वैसे सच कहूँ तो ये आजकल टैलेंट बन के रह गया है कि कभी किसी का झगड़ा किसी के साथ, कभी किसी का झगड़ा किसी के साथ, कोई ओह हम सुन सुनकर थक चुके हैं, आए दिन हम ये सब झगड़े देखते ही रहते हैं। और इधर मधुबाला सीरियल में भी आजकल यही सब चल रहा है, आरके जाल बिछा रहा है और मधुबाला उसके जाल में फंसती चली जा रही है। आरके शराब के नशे में मधुबाला के घर पहुंचता है और उसे किसी तरह से जबरदस्ती मेलोड्रामा क्रिएट करके ज़बरदस्ती सड़क पर घसीट के ले आता है, और सड़क पर सरेआम वो उसकी मांग में सिंदूर भर देता है, और वहीं क्रिएट होता है एक नया ड्रामा। अब मधुबाला क्या कहेगी उस सिंदूर के बारे में कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो आरके बाबू, या फिर वो सिंदूर को मिटा देगी। ऐसे वो जो भी करेगी करेगी तबीयत से, क्योंकि अपना बदला तो उसे भी लेना है। खैर दोस्तों, आप इस सवाल का जवाब दीजिए कि क्या अब मधुबाला अपने इस अपमान का बदला लेगी। आंसर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लीव योर कमेंट्स, लाइक दिस वीडियो एंड कीप ऑन वॉचिंग रूबी अनसेंसर्ड। ठीक है।